बेटा ये दो क्वेश्चन आए आज स्कॉलर रोजरी में डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन चैप्टर से, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके हैं ये, कोई करवा रखे हैं वैसे हमने एलिमेंट्स एग्जाम्पलर में भी थे इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ए एंड बी वेरी इनवर्सली। बेटा जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली वेरी करती हैं तो क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है, उनका प्रोडक्ट या उनका रेशियो? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये बात जरूरी थी। तो जब दो क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में होती है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो ए बी इज कांस्टेंट। ए बी इज, अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 30, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या दिया हुआ है बोलो, 600। तो बी क्या आ गया, 600 बाय 30, तो कितना आ गया, बी 20 आ गया। 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 20। इसको और ज्यादा आप एक्सप्लेन करोगे, वैसे तो इतना ही लिखना था आपने एज ए 8th क्लास के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, और जब भी मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था तो ये मैं बात बताता हूं, इनवर्सली होता तो 1/b लिख दिया ना, तो ये जब ये सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और नीचे क्या लग जाता है, बी, नीचे तो बी है ही, जब ये सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब बी ऊपर चला जाएगा तो ए बी इज इक्वल टू के। मींस जब इनवर्स वेरिएशन होता है, जब क्या होता है बेटा, इनवर्स वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन होता है, ऐसे ही लिखते हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मींस बोलते हैं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, साइन के आगे 1/b, और वो साइन हटता है और एक कांस्टेंट आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए बी कांस्टेंट होता है, तो जब भी इनवर्स वेरिएशन होता है तो ए बी कांस्टेंट होता है, ये हम याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 भी 600, बी की वैल्यू 600 बाय 30, बी की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो क्या होता था बताओ, ए बाय बी कांस्टेंट होता था, इनवर्स में ए बी कांस्टेंट होता है, एक्स वाई कांस्टेंट होता है, और डायरेक्ट में एक्स बाय वाई या ए बाय बी इज ए कॉन्स्टेंट। तो पहले का आंसर आ गया, आप दूसरे का आंसर बताइए क्या होगा सब बच्चे, दूसरा यहीं पे कर दे आपका। अब दूसरे में भी इनवर्स है या डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन है, एबी ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या दे रखा है, 400, ए की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 × b इज 400, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 400 बाय 20, दैट इज 20। बोलो समझ आ गया सबको अच्छे से,